अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से मार्बल कपकेक, और कपकेक के साथ साथ ही मैं बनाऊंगी मार्बल केक। दोनों की रेसिपी सेम ही है, दोनों का बैटर सेम ही बनेगा, जस्ट इसका जो है बेकिंग टाइमिंग ये डिफरेंट होगी, या बेक करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट और फ्लफ़ी से बनकर तैयार हुए हैं। चलें चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैं ले रही हूँ सबसे पहले एक सेव, उसमें डाल देंगे 1.5 कप मैदा, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हमेशा आप अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। और साथ डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून सॉल्ट। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से छान लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो एक बार मैं अगेन इसको मिक्स कर देती हूँ, बेकिंग पाउडर जो है वो मैदे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब मैं अलग से एक बाउल लूँगी और उसमें डाल दूँगी अनसॉल्टेड बटर, है रूम टेम्परेचर का, सॉफ्ट है लेकिन बिल्कुल भी मेल्टेड नहीं है, लेकिन है सॉफ्ट, तकरीबन 1 कप है। इसको अच्छे तरीके से बीट कर देंगे। इसे मैंने मीडियम स्पीड पर तकरीबन 1 मिनट तक बीट किया था। 1 मिनट के बाद ये इस फॉर्म में आ गया था। तो बस जब इस फॉर्म में आ जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप शुगर, ये मोटे वाली नहीं, बारीक जो होती है शुगर वो थी, उसे डालने के बाद फिर हम इसे बीट कर देंगे। हम इसे उस वक्त तक बीट करेंगे जब तक कि ये क्रीमी सा ना हो जाए, हल्का सा फ्लफ़ी, और उसका जो कलर है वो भी लाइट हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छे से बीट हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी एग्स हम शामिल करेंगे 3 अदद। जो एग्स मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी रूम टेम्परेचर के ही हैं, ठंडे एग बिल्कुल नहीं डालने इसमें। इन दोनों को डालने के बाद हम इसे दोबारा बीट कर देंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। इसे बीट होते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी वनीला एसेंस का मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, और साथ में डाल दूंगी मैं नीम गरम दूध 120 ml, यानी ये तकरीबन आधा कप बनता है। थोड़ा सा नीम गरम था, यानी बहुत ज़्यादा उबलता हुआ भी नहीं था, लेकिन हल्का सा गरम था दूध जो मैंने इसमें शामिल किया है। डाल के 1 मिनट के लिए फिर बीट करेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा क्रीमी सा बनकर रेडी हो गया है। अब जितना भी बीट करने का प्रोसेस था वो ख़त्म हुआ। अब हम इसे स्पैचुला से नॉर्मल तरीके से मिक्स कर देंगे हल्का सा, और जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने पहले से बना के रखे थे इसे हम 2 हिस्सों में डालेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। आधा डालेंगे, मिक्स करेंगे, हल्के हाथों से मिक्स करना इस तरीके से फोल्ड करते हुए, बस ये देखिएगा कि इसमें कोई भी लम्स ना बने। अब बाकी का भी डालकर इसी तरीके से हम इसका स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे। ये देखिए कितना स्मूथ सा मेरा बैटर रेडी है, लेकिन इस वक्त ज़्यादा थिक था तो इसमें मैं हॉट वाटर में जो है ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं था लेकिन नीम गर्म था, तो इसे भी थोड़ा थोड़ा डाल के हम मिक्स करते जाएंगे। ये भी तकरीबन मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया था, तो ये इस फॉर्म में आ गया था। तो कपकेक की ट्रे मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखी हुई थी, इसमें एक पेपर लाइनिंग लगाई हुई थी। अब हर कपकेक के अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 1 1 1.5 टेबल स्पून बैटर डालते जाएंगे इस तरीके से। बिल्कुल ऊपर तक नहीं करना क्योंकि ये अभी फूलेंगे भी तो ये बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, तो हमने इसे हाफ हाफ ही फिल करना है। हल्का सा टैप कर देंगे, साइड पे रख देंगे, और जो बाकी का बैटर था उसमें से मैंने हाफ लिया है और हाफ जो है वाइट ही रहने देंगे क्योंकि हमने केक भी साथ रेडी करना है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कोको पाउडर 2 टेबल स्पून। कोको पाउडर डालने के बाद हम इसे अगेन मिक्स करेंगे। कोको पाउडर भी थोड़ा ड्राई होता है तो हमारा जो बैटर है ये और ज़्यादा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम इसमें डाल देंगे गर्म पानी थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे ताकि इसका स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाए। तो बस ये रेडी है, अब हम इसे डाल देंगे पाइपिंग बैग में। ये सारे का सारा बैटर मैंने डाल दिया पाइपिंग बैग में, और इसके आगे मैंने छोटा सा होल कर देना है, बहुत ज़्यादा बड़ा होल नहीं करना, बिल्कुल छोटा सा कर दें। अब जो कपकेक हमने रेडी किए थे इस पर हमने बिल्कुल रफली लाइंस ड्रॉ करनी है, किसी के ऊपर डॉट्स लगा दीजिएगा, किसी के ऊपर सर्कल्स, और बिल्कुल भी खौफ ज़्यादा नहीं होइएगा कि यार ये कैसा बन रहा है सही नहीं, बिल्कुल रफली लाइन लगाएँ,
क्योंकि हमने मार्बल टेक्सचर देना है, इसकी कोई शक्ल नहीं होती, जिस तरह मर्जी आप उल्टे सीधे लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब टूथपिक की मदद से मैं इस तरीके से अंदर से हल्की हल्की लाइंस लगा रही हूँ, जिस तरह मर्जी आप करें कोई फ़र्क नहीं इससे पड़ेगा। हल्का हल्का बस इसे वाइट के साथ हमने ब्लेंडिंग करना है। बस मैंने इसे हर एक को हल्का हल्का ब्लेंड किया तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब हम इसे रख देंगे प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री पर तकरीबन 15 से 16 मिनट के लिए। अब साथ ही मैं बना दूंगी केक, जो बाकी का रिमेनिंग बैटर बचा था। पहले हम वाइट वनीला वाला बैटर डालेंगे, फिर चॉकलेट वाला डालेंगे, फिर वनीला वाला और अगेन चॉकलेट वाला। इसी तरह करते करते जब तक के तमाम बैटर हमारा फिनिश नहीं हो जाएगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा, हम इसी तरीके से इसकी लेयर्स बनाते जाएंगे तो ही इसमें जो है मार्बल टेक्सचर अंदर तक आएगा। तो बस ये तकरीबन मेरा जो बैटर था सारा ख़त्म हो गया। इसे भी मैं जो है चॉपस्टिक के साथ हल्का सा मार्बल टेक्सचर दे रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ सबको, और इसको भी हम रख देंगे बेकिंग के लिए। इसे भी 170 टेम्परेचर पर तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। ये कपकेक हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। इसने तकरीबन 15 से 16 मिनट लिया था बेकिंग टाइम। कपकेक जो है वो जल्दी बेक हो जाते हैं, जबकि केक जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि कपकेक छोटे छोटे पोर्शंस में जो है बैटर होता है तो ये जल्दी हीट होकर रेडी हो जाता है, जबकि केक थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। तो ये देखिए हमारे कपकेक कितने अच्छे, परफेक्ट, सॉफ्ट, और इसकी लुक आप देखिए कितनी अच्छी सी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ कि किस कदर ये परफेक्ट बने हैं। ये देखिए, आप जब बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप बेकरी के खा रहे हैं या घर के बने हुए, बल्कि बेकरी से भी ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार बनकर रेडी होंगे इंशाल्लाह। तो अब इसे हम कट भी कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही ये मज़ेदार, इंशाल्लाह आप जब ट्राई करेंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। और जो मार्बल केक हमने रखा था तकरीबन उसे भी बेक होते हुए 30 से 40 मिनट हो गए हैं। उसे भी हम एक बार चेक कर लेंगे टूथपिक डालकर, अगर हमारी टूथपिक बिल्कुल क्लियर आ रही होगी तो इट्स बीन को रेडी हो गया है। तो मैंने इसे चेक किया था तो बिल्कुल ठीक था और टूथपिक भी बिल्कुल क्लियर आ रही थी। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए किस कदर परफेक्ट, सॉफ्ट और मज़ेदार सा ये भी बनकर रेडी हुआ है। मैं इसे भी आपको काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये भी किस कदर सॉफ्ट है कि जब हम इसे मुंह में डाल रहे थे ना तो ये खुद ब खुद घुल रहा था, और इसी किस्म का ही केक अच्छा बनता है। तो बस अब आप इसकी लेयर्स चेक करें किस कदर अच्छी और ख़ूबसूरत बनी हुई हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक और अच्छी नई सी रेसिपी के साथ। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।